केंद्र एवं राज्यों में पुरानी पेंशन को लेकर आंदोलन जारी है। जनवरी 2024 में भूख हड़ताल और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी हो रही है। हालांकि अभी देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की घोषणा होना बाकी है। आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है, उस पर करीब 2 करोड़ कर्मचारियों एवं पेंशनरों की नाराजगी देखी जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग गठित न करने के फैसले को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। मलेरिया के खिलाफ भारत की ओर से उठाए जा रहे कदम को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी मंजूरी दे दी है। मलेरिया रोग के खिलाफ लड़ाई में बच्चों के लिए नई वैक्सीन का उपयोग किया जा सकेगा, जिसकी मंजूरी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दी है। ये मलेरिया के इलाज में उपयोग होने वाला दूसरा टीका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साथी विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लेते हुए संसद सुरक्षा उल्लंघन को बेरोजगारी से जोड़ा। इंडिया गठबंधन ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कहा, संयुक्त संदेश भेजने की जरूरत, लोकतंत्र खतरे में है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर दहशत फिर फैलने लगी है। बीते 5 सप्ताह से देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आए मरीजों के सैंपल में नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारी पूरी हो चुकी है। देश भर से भक्त राम मंदिर पहुंचने की तैयारी में जुटे हैं। अयोध्या का भी इसे देखते हुए कायाकल्प कर दिया गया है। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। इसे देखते हुए अयोध्या में कई स्तर पर सुविधाएं दुरुस्त किए जाने का काम जारी है। दिल्ली नगर निगम में विपक्ष के नेता राजा इकबाल सिंह ने मेयर शैली ओब्रॉय पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बैठक में आमंत्रित नहीं करने को लेकर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच प्राधिकारियों को आरटीपीसीआर जांच के लिए पर्याप्त संख्या में नमूने भेजने का आदेश दिया। दिल्ली की एक अदालत ने यस बैंक में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में बैंक के सह संस्थापक राणा कपूर को जमानत दे दी। हालांकि वह फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दर्ज संबंधित मामले में उन्हें जमानत नहीं दी गई है। नागपुर की एक फैक्ट्री में 17 दिसंबर को हुए विस्फोट में जान गंवाने वाले 9 लोगों का वीरवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। खबरों की माने तो बाजार गांव में स्थित विस्फोट बनाने वाली कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की कास्ट बूस्टर इकाई में हुए विस्फोट में 6 महिलाओं समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी।